हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आप सबका स्वागत करती हूँ मोनिका राज ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, मैं लड्डू को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसका लूज मोशन स्टार्ट हो गया है और बहुत ही दिक्कत में है। तो उसको हम ले जा रहे हैं हॉस्पिटल दवाई लेने। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो रूही को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, आप सबको हाय कर रही है। तो ये देखिए, आप सबका स्वागत है, ये भी कर रही है। अरे बाप रे, यहाँ पे पेड़ गिर गया, अचानक से हम लोग बीच में ही फंस गए हैं और देख सकते हैं, और बीच रास्ते में पेड़ गिर गया है। थोड़ा सा हम लोग बच गए हैं, नहीं तो आज क्या हाल होता हम लोगों का, आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हालत ख़राब हो रखा है हम लोगों का, और अचानक से बच्चे लिए थे, गाड़ी था, बीच में ही पेड़ गिर गया है, ये देखिए। और भगवान ने हम लोगों को बचा लिया, अचानक से पेड़ बीच में ही गिर गया। और क्या पता हम लोगों थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हम लोगों का क्या हाल होता। तो देख सकते हैं, बार बार हम लोग बचे हैं, भगवान ने हम लोग को बार बार बचा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, और फिर से यहाँ पे बैठ के और हम लोग चल दिए हैं। देख सकते हैं, यहाँ पे चाची ने लड्डू को ले लिया, और देख सकते हैं कितना भयानक पेड़ है और बीच में ही गिर गया। इस हम लोग के ऊपर गिरता तो क्या हाल होता। तो और फिर से हम लोग डर के मारे फिर बैठ गए हैं और चल दिए हैं फिर से। देखिए चाची डरी हुई है, सहमत है, और डर के इनका चेहरा का हाल देखिए, पूरा ही डर चुकी है पेड़ गिरने के कारण से। और मैंने इनको बाबू को दे रखा है, और भगवान ने हम लोगों को बीच रास्ते में कौन सा संकेत दिए थे तो हम लोग बच गए हैं। और लड्डू को देखिए, ये अपना आराम से जा रहा है, इसका भी चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि इसका ही तबीयत ख़राब है, बहुत ही लैट्रिन ज़्यादा हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं, और यह देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं, इसका हम दवाई लेने जा रहे हैं, बहुत ही तबीयत ख़राब है। और ये देखिए, सभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो हम लोगों को उन लोगों को मना किया कि बीच में ही रास्ता जाम, पेड़ गिर चुका है, तो आप लोग संभल के जाइएगा। ये देखिए, नहर में भी पानी आ चुका है, और बहुत ही भयानक आज का आप दिल दहना देने वाली घटना हुई है हमारे साथ, और बहुत ही क्या बताएं अब। और ये देखिए, जो भाई चला रहे हैं गाड़ी, उसका भी हालत ख़राब है बहुत। हम लोग कितने मुश्किल से बचे हैं आप भगवान ही जानेंगे, और बहुत ही डर लग रहा था, अचानक से पूरा शरीर कांप गया था हम लोगों का। हाँ, अभी हम लोग आगे जैसे बढ़ने वाले थे वैसे पेड़ गिर गया, जहाँ तहाँ आदमी रुके हुए हैं, और देख सकते हैं हम लोग बच के यहाँ पे हम जा रहे हैं। बोले कि प्यास लगा है तो चलती हैं समोसा खाने। यहाँ पे लड्डू और ये भाई बैठा हुआ है, लड्डू को भी देखिए, लड्डू का भी चेहरा उतरा हुआ है, खेल रहा है। और रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे समोसा ये देखिए आने वाला है। और हम थोड़ा सा ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे गांव में चुंगाई में खुला हुआ है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, समोसा मैंने दो मंगाया, और यहाँ पे समोसा आ चुका है चटनी के साथ। वाह, क्या बात है, मुंह में पानी भी आने लगा था पहले ही। और मेरा लड्डू खाने के लिए देखिए अभी खाता नहीं है, जैसे ही खाना इसको दिखाइएगा तो वैसे ही बदमाशी करने लगता है। और ये देखिए, यहाँ पे लेटा दिए हैं इसको, और हम लोग खा के चलने वाले हैं। तो यहाँ पे खा रहे हैं चटनी के साथ, और बहुत ही चटनी अच्छा था, समोसा ख़राब था तो अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो यहाँ पे लड्डू खेल रहा था, और फिर हम खा के निकल गए हैं हम लोग, और फिर से घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही धूप था, बारिश होने के बाद धूप जो जब निकलता है तो क्या हाल हो रखा है आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे मिठाई उठाई, यहाँ पे रूही के लिए कोल्ड ड्रिंक छोटा सा ले रहे थे, और यहाँ पे पैसा भी दे रहे थे समोसा का। ये देखिए, कोल्ड ड्रिंक मैंने छोटा सा लिया, और टॉफ़ी भी लिया। यहाँ से मैंने डाइपर लड्डू के लिए डाइपर लिया मैंने, और ये सिंगार स्टोर पर जाके मैंने डाइपर ले लिया। और तो फिर बाज़ार में मैं खड़ी था, मेरा भाई, वो भाई जो गया था तो वो बोला थोड़ा सा खड़ा रहो तो आता है। तो ये देखिए, मैंने लड्डू को, अब देख सकते हैं लड्डू का भी नाक पे चोट लग गया है, और बहुत ज़्यादा चोट लग गया, तो नाक पूरा छिला गया इसका। और बीच में हम लोग रोड पे खड़े हुए हैं, और फिर से चल दिए हैं घर, और घर जा देखिए फिर से उतर के जा रहे हैं हम लोग। बीच में गिरा था तो फिर से उतर के जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है कि बीच में पेड़ गिर गया है कि हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। तो फिर से हम बैठ चुके हैं और घर चल दिए हैं, घर जाके देखते हैं रूही क्या कर रही है।
मेरा बच्चा भी बहुत ही तबीयत इसका ख़राब है, तो ये चंचल रहता है। और देखिए कैसे कंधे पे बैठा हुआ है, हम बाइक पे